भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद अब इससे जुड़े दूसरे उत्पादों के निर्यात को भी सीमित कर दिया है। यानी अब धड़ल्ले से आटा, सूजी और दलिया जैसे उत्पादों का निर्यात करना आसान नहीं रहेगा। केंद्र सरकार इसके लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए नियम लगाने की तैयारी कर रही है। क्या है वो नियम, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सरकार ने गेहूं के आटे और अन्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के फ्रेमवर्क को आज मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार ने मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। गेहूं के आटे के निर्यात पर लगी रोक अगले सप्ताह 12 जुलाई से प्रभावी होगी। इसके बाद आटे के निर्यात के लिए निर्यातकों को इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया, गेहूं के आटे के लिए निर्यात की नीति फ्री ही बनी रहेगी, लेकिन इसका निर्यात करने के लिए गेहूं के निर्यात को लेकर बनी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। इसके अलावा DGFT के ताजा नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि अब इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी से आटे के अलावा मैदा, समोलिना यानी रवा, सिरगी, होलमील आटा और रिजल्टेंट आटा के निर्यात के लिए भी मंजूरी लेने की जरूरत होगी। कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही अब इन उत्पादों का भारत से निर्यात किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार गेहूं के आटे की क्वालिटी के लिए जरूरी प्रावधानों को लेकर अलग से एक नोटिफिकेशन जारी होगा। अब सवाल ये है कि सरकार ने किन कारणों से ये कदम उठाया। इस कदम को भारतीय बाजार में आटे की कीमतें नियंत्रित रखने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद आटे के निर्यात में तेजी देखी जा रही थी। इससे घरेलू बाजार में आटे की उपलब्धता पर असर पड़ रहा था और कीमतें बढ़ने का खतरा मंडरा रहा था। कुछ कंपनियों ने तो आटे के दाम बढ़ा भी दिए थे। इस कारण गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का सरकार का ऐलान कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। अब नई पाबंदियों से इस मामले में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। यानी भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि जरूरतमंद देशों को अभी भी भारत गेहूं दे रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से जारी जंग के बाद दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कमी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस बदलते हालात में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद भी भारत जरूरतमंद देशों को इनकी आपूर्ति कर रहा है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने पिछले महीने जर्मनी में एक कार्यक्रम में बताया था कि 13 मई को लगाई गई पाबंदी के बाद से अब तक भारत ने करीब एक दर्जन देशों को 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इनमें से बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 टन गेहूं देने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। इसमें से करीब 33,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को निर्यात हो चुका है। पांडे ने कहा था कि प्रतिबंध के बाद इस साल 22 जून तक भारत ने 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इसराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमन, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और यमन जैसे देशों को पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस साल अब तक 4 गुना गेहूं का निर्यात किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करें।